नमस्कार, मैं विकास और बात होगी। खास बात यह है कि सोनीपत सीट भी जेजेपी के खाते में आ सकती है और कृष्ण राठी जो कि जेजेपी के जिला के प्रधान है, जिला अध्यक्ष है, वो चुनाव लड़ सकते हैं, प्रत्याशी हो सकते हैं। रमेश कौशिक के लिए भी एक बड़ा झटका हो सकता है जेजेपी के खाते में। अब दो सीट जाती हुई नजर आ रही है, जिसमें पहला नाम हिसार से आ रहा था, अब हिसार के बाद बताया जा रहा है कि सोनीपत जो सीट है वो भी जेजेपी के खाते में जा सकती है और जेजेपी के जो प्रत्याशी हो सकते हैं, संभावित जो प्रत्याशी हो सकते हैं, वो है कृष्ण राठी, जो कि लगभग स्टार्टिंग से ही पहले इनेलो में और इनेलो के बाद जेजेपी में दुष्यंत के परिवार से या यूं कहिए कि अजय चौटाला के साथ जुड़े हुए हैं। अब उनको भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। जेजेपी के जिला के अध्यक्ष है जीत गए कृष्ण राठी, अब वो चुनाव लड़ सकते हैं। सफेदों के लोगों के लिए भी एक बड़ी खबर है, सोनीपत के लोगों के लिए भी एक बड़ी खबर है। कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से जेजेपी का नाम आ रहा है कि सोनीपत से भी जेजेपी का प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है, पहले भी कृष्ण राठी कहीं इशारा कर चुके थे, आज से 7-6 महीने पहले भी वो कहते हुए नजर आते थे कि हालांकि वो विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे, यानी काफी लंबे समय से प्लानिंग थी कि अगर सोनीपत सीट जेजेपी की खाते में आएगी तो वो खुद चुनाव लड़ेंगे, यानी सीधा ही चुनाव वो एमपी के लड़ने का कहीं ना कहीं उनकी इच्छा थी। अब वो इच्छा कहीं ना कहीं अब जो सफल होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जेजेपी के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं ये जो है खबर हो सकती है, जेजेपी को सोनीपत की भी सीट मिल सकती है, सोनीपत से अब जेजेपी चुनाव लड़ सकती है। एनडीए का बड़ा फैसला हो सकता है, एनडीए के द्वारा जेजेपी को बड़ी राहत कहीं ना कहीं दी जा रही है। कहीं ना कहीं जेजेपी को जिस तरीके से हरियाणा के बीजेपी के नेता हल्के में ले रहे थे, अब केंद्र के नेताओं के द्वारा दुष्यंत को या यूं कहिए कि जेजेपी को तवज्जो दी जा रही है। लगातार जो बात सामने आ रही थी कि दुष्यंत को शायद लोकसभा में बीजेपी कोई सीट नहीं देगी, जेजेपी शायद शून्य पर खड़ी रहेगी, लेकिन जिस तरीके से दिग्विजय का नाम सामने आ रहा है, दिग्विजय के द्वारा अब हिसार लोकसभा सीट पर कई हलकों में कल से जो है दौरे भी शुरू कर दिए गए हैं, कई जगह जो है वो अब चुनाव का जो है बिगुल उनके द्वारा बजा के दिया गया है। ऐसे में सोनीपत से भी अब कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सोनीपत सीट भी अब जेजेपी को दी जा सकती है। हालांकि बड़ा मुश्किल कहीं ना कहीं हो सकता है जेजेपी के लिए सोनीपत जो सीट है, लेकिन कृष्ण राठी एक बड़े व्यवसायी है, बड़े जमींदार है, काफी उनका भी जो है नाम है, ऐसे में इसलिए वो एक बड़ा चेहरा भी जीत की राजनीति में उनका काफी बड़ा नाम है। सोनीपत भी नजदीक लगता है क्योंकि सफेद एक ऐसी सीट है जिसके टच करता हुआ गोवाड़ा और बड़ौदा दो हल्के जो है वो लगते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कृष्ण राठी को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। जेजेपी के लिए बड़ी खबर कहीं ना कहीं हरियाणा की पॉलिटिक्स के लिए अभी आ रही सूत्रों के हवाले से कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका रमेश कौशिक को भी अब लग सकता है, भाजपा के नेताओं को लग सकता है। अब तक जो मन बढ़ा के रखे हुए तब तक ये चर्चा थी कि रमेश कौशिक ही तीसरी बार चुनावी मैदान में आएंगे, चुनावी मैदान में वो चुनाव लड़ने का काम करेंगे, लेकिन अब हरियाणा की राजनीति का सिनेरियो बदलता हुआ नजर आ रहा है। यदि सोनीपत सीट भी जेजेपी के खाते में जाती है, लगभग माना जा रहा है कि 99% उम्मीदवार होंगे और कृष्ण राठी ही जेजेपी से चुनाव लड़ेंगे। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहे खबर तहलका।